हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर से 11 न्यू नोटिफिकेशंस। फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी जुलाई 2019 के बाद में ग्रेजुएशन के लिए इग्नू में अपना न्यू एडमिशन करवाया है, फ्रेंड्स आप सभी इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इग्नू की तरफ से आपका एक सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपका वो सब्जेक्ट अभी इग्नू की तरफ से चेंज कर दिया गया। आपके लिए एक नया सब्जेक्ट असाइन किया गया है, और जो नया सब्जेक्ट दिया गया है आपको उसी के असाइनमेंट बनाकर जमा करने होंगे, और साथ ही आपको उसी के एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करना होगा। सो दोस्तों, इसके अलावा 10-11 ऐसे स्पेशल नोटिफिकेशंस हैं जो कि आपके काम के हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले तो बात करेंगे आप में से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी दिसंबर 2021 टॉमेट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर किया था। आप लगातार कमेंट्स में यही पूछ रहे हैं कि आपके रिजल्ट की लास्ट अपडेट कब तक आएगी। देखिए दोस्तों, इग्नू में लास्ट अपडेट करके कोई भी नहीं होती है। एक के बाद एक जैसे जैसे आपके इवैल्यूएशन सेंटर से आपके रिजल्ट्स इग्नू के दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, तो उन्हें इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। सो एक के बाद एक अपडेट्स आती रहती हैं। लास्ट अपडेट करके आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगले 2 से 3 वीक में लगभग 80-90% रिजल्ट्स इग्नू की तरफ से कंप्लीट कर दिए जाएंगे, इसलिए आप 2 से 3 वीक का और इंतज़ार कर लीजिए। अभी बात करते हैं आपके नोटिफिकेशंस के बारे में। सो दोस्तों, जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो है अलीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। अलीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से आपके जो भी स्टूडेंट्स CIT, BCA और MCA वाले हैं, आपके टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स इन सभी प्रोग्राम के हैं, आप इसे डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है फिर भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से इंडक्शन मीटिंग का लिंक जारी किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2022 सेशन में इग्नू में न्यू एडमिशन करवाया था, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंडक्शन मीटिंग का लिंक जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी प्रोग्राम्स का जिस दिन इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है फिर रायपुर रीजनल सेंटर की तरफ से। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इग्नू की तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट किया गया है, वो रायपुर रीजनल सेंटर की तरफ से स्टार्ट किया गया था। मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था कि एक स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेज रिड्रेसल मीटिंग स्टार्ट की गई है एवरी संडे को। इसी की देखो देख एक दूसरा ऐसा रीजनल सेंटर है जिसकी तरफ से ये सेम मीटिंग वेनसडे को स्टार्ट की गई है, वो है दोस्तों कोरापुत रीजनल सेंटर। कोरापुत रीजनल सेंटर की तरफ से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 मई को वेनसडे को 4 से 5 बजे के बीच में एक स्टूडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल मीटिंग करके स्टार्ट की जाएगी, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप उन्हें क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें उन सभी स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं जिनका स्टडी मटेरियल अभी रेडी है। आप अपने रीजनल सेंटर विजिट करके और अपना स्टडी मटेरियल वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि आप 20 मई से पहले अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए। सो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको डाउनलोड करके और अपना नाम इसमें चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो है फिर चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी स्टूडेंट्स जिनका थ्योरी काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है MSc, DFSM और DNHC, आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंगली आप अपनी थ्योरी काउंसलिंग क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो चंडीगढ़ की तरफ से ही, जो भी स्टूडेंट्स MAPC प्रोग्राम के हैं, आपका टेंटेटिव प्रैक्टिकल काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो इग्नू की तरफ से अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए चेंज कर दिया गया, और आपका जो पुराना सब्जेक्ट था उसे आपको भूलना होगा। सो ये नोटिफिकेशन अभी तक इग्नू की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं अलीगढ़ रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है BAG के वो सभी स्टूडेंट्स जिनका BHDG 174 सृजनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र, ये सब्जेक्ट का नाम था, इसे अभी चेंज करके
और इसकी जगह पे आपको BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे सेलेक्ट करना होगा। और सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बकायदा आपके जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। आपको अभी BHDG 174 को भूलकर और BPAG 174 के असाइनमेंट अपने अपने स्टडी सेंटर पे या फिर रीजनल सेंटर्स पे जमा करवाने होंगे। साथ ही आपके एग्जामिनेशंस भी BPAG 174 के ही कंडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपका जो सब्जेक्ट BHDG 174 था उसका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड नहीं किया गया था, और अभी फाइनली इग्नू की तरफ से इस सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया और जो नया सब्जेक्ट है BPAG 174 उसका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर भी इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। और जिन भी स्टूडेंट्स को इसका सोल्ड असाइनमेंट चाहिए या इग्नू का कोई भी सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने असाइनमेंट्स के लिए सॉल्यूशन PDF मुझसे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है फिर दोस्तों जम्मू रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से आपके जो भी स्टूडेंट्स BLIS प्रोग्राम वाले हैं, आपका BLI 224 का प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी कर दिया गया, सो आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस लिस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं और इसमें डेट दी हुई है कि किस दिन आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है फिर गैंगटॉक रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स के लिए। गैंगटॉक रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स MAPC प्रोग्राम के हैं, आपका MPCE 15, MPCE 16, MPCE 25, MPCE 26, इसका ऑनलाइन वाइवा वो शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट्स के इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बैकलॉग है वो भी इनको अपीयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट शेड्यूल दे दिया गया, सो आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 7 मई को ही कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है दोस्तों RC बेंगलोर के स्टूडेंट्स के लिए। बेंगलोर की तरफ से आपके जो भी स्टूडेंट्स BLIS प्रोग्राम वाले हैं उनका प्रैक्टिकल शेड्यूल जारी किया गया है। यहाँ पे BLIE 227 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट जारी की गई है, 10 मई को आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे जूम मीटिंग का लिंक भी दे दिया गया है और मीटिंग का ID पासवर्ड भी दे दिया गया। सो जो भी स्टूडेंट्स BLIS प्रोग्राम वाले हैं बेंगलोर रीजनल सेंटर के वो इसे अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट नोटिफिकेशन आता है फिर RC नागपुर की तरफ से। नागपुर रीजनल सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक लिस्ट जारी की गई है। ये उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने 35th कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, जबकि वो 35th कॉन्वोकेशन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। सो आपके रीजनल सेंटर की तरफ से ये लिस्ट जारी कर दी गई है। आप सभी स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन 600 रुपीज़ का DD बनाकर अपने रीजनल सेंटर को भेज दीजिए। वहाँ पे जाके आप चाहें तो खुद से बाय हैंड अपनी डिग्री ले सकते हैं या फिर एक एप्लीकेशन लिख के भेज दीजिए और उसमें आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिख देंगे, उस एड्रेस पे आपकी डिग्री को भेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स ये लिस्ट भी काफ़ी लेंदी है और आप देख सकते हैं मोर देन 750 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डिग्री सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं किया या फिर जिन्होंने अभी तक 35th कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। आप सभी स्टूडेंट्स की डिग्री आपके रीजनल सेंटर पे रखी हुई है, आप वहाँ से जाके उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।